सो हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोगों की एयरफोर्स और नेवी की क्लासेस आज से चालू हो जाएंगी। इंग्लिश का वीडियो आप लोगों को डेली 12 बजे मिल जाएगा, तो उसी का ही आज पहला वीडियो है जिसमें आप लोग कुछ वोकैब्स सीखेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि वोकैब्स के लिए मैंने अलग से टीचर बुलाया है, अनुज सर ही आपको कवर करेंगे, और क्योंकि उसमें वोकैब्स में वो परफेक्ट हैं इसी वजह से मैंने उनको बुलाया, ताकि आप लोगों का भी जो वोकैब्स है वो परफेक्ट हो जाए बिल्कुल, और बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ सिखाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले कि वो वीडियो शुरू करें, मैं आप लोगों से कुछ यहाँ पर बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा, यानी कि आपको कैसी क्लास लगी, वो मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं कि आप लोगों को सही समझ में आ रहा है फिर नहीं, ठीक है। तो पहला तो आप लोगों को बताना है कैसी आपको क्लास लगी। दूसरा आप लोगों को ये बताना है कि इसमें और क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे कि अभी आज की वो वीडियो में वो 10 वोकैब्स कवर करेंगे, तो आप लोगों को इसमें वोकैब्स बढ़वाना है या फिर कम करवाना है या फिर और उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, वो कमेंट सेक्शन आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें आप दो चीज़ें आप ज़रूर बताइएगा। यही मैंने आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इंट्रो रखा है अपना। वैसे कल से अब डेली वही उन्हीं की आवाज़ सुनने को आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देंगे, चलिए अपने वोकैब स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है इनकार्सरेट। इनकार्सरेट मतलब होता है जेल भेजना। इसकी जो ट्रिक बनाई है हमने, इसकी ट्रिक बनाई है इनकार सिगरेट पी तो जेल हो जाएगी। ठीक है, आप सबको पता है अगर कार में कार चलाते हुए सिगरेट पीते हैं तो क्या नाम है, ये नियमों के खिलाफ है। तो हमने इसी से उसे रिलेट किया है कि इनकार सिगरेट पी तो हो जाएगी जेल। चलिए नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एक्सट्रपेट। एक्सट्रपेट मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। इसे जो इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, इसकी ट्रिक बनाई है एक्स्ट्रा पेट को एक्स्ट्रपेट कर दो, यानी कि रिमूव कर दो। तो अब आप देख रहे हैं ना, एक्स्ट्रपेट एक्स्ट्रा पेट दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो आप फोटो में भी देख रहे हैं कि जो इसमें फ़ोटो में है ये बंदा, ये बहुत फैटी है। तो इसी से आपको ध्यान रहेगा कि एक फैटी बंदा था फोटो के अंदर और वह अपने पेट को एक्स्ट्रपेट कर रहा है, रिमूव कर रहा है। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है बैसमिच। बैसमिच मतलब होता है बदनामी करना। इसकी जो ट्रिक जो बनाई है हम लोगों ने, इसमें है सब्जी में 20 मिर्च डालने से होटल की बैसमिच हो गई। अच्छा गाइस, एक बार क्या हुआ कि जो होटल में जो बंदा खाना बनाता था, उसने क्या किया कि सब्जी में 20 मिर्च डाल दी। उससे क्या हुआ, सब्जी बहुत तीखी हो गई और किसी को अच्छी नहीं लगी, तो उससे खाना बहुत ख़राब बना। और जब लोगों ने खाना खाया, उन्हें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उससे क्या हुआ, होटल की क्या हुई, बदनामी हुई, रेपुटेशन डाउन हुई। तो हमने इसी से इसे रिलेट किया है बैसमिच। बैसमिच मतलब होता है बदनामी करना। चलिए अगला वर्ड जो हमारा है, अगला वर्ड है पारसीमनी। पारसीमनी मतलब होता है कंजूसी। इसकी जो ट्रिक जो हमने बनाई है, पारसीमनी लोग मनी पर्स में ही रखते हैं। तो पारसीमनी मतलब कंजूस, कंजूस लोग मनी पर्स में ही रखते हैं। पारसीमनी है ना, कनेक्ट कर रहा ना, पारसीमनी मना मनी पर्स, इस तरह से हमने इसे रिलेट कर दिया है। चलिए हमारा अगला वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस मतलब होता है बातूनी। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, लोकी वाला बड़ा लोकेशियस है ना। इस तरह से आप ध्यान रख लीजिएगा कि जो लोकी बेचता है वो बहुत बातें करता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा लोकेशियस है। तो हमारा अगला वर्ड है सपल। सपल मतलब होता है लचीला, है ना। तो इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, दिस चप्पल इज़ फ्लैक्सीबल। जैसे आप देख रहे हैं फोटो में चप्पल को, कि ये चप्पल बहुत ज़्यादा फ्लैक्सीबल है। तो सपल और चप्पल, इस तरह से हमने इसे रिलेट कर दिया है। तो सपल मतलब होता है लचीला। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है एम्पल। एम्पल मतलब होता है किस चीज़ की प्रचुर मात्रा, मतलब किस चीज़ की ज़्यादा मात्रा, है ना। इसकी जो ट्रिक जो बनाई है, द टेम्पल हैज़ एम्पल मनी, सॉरी दिस टेम्पल हैज़ एम्पल मनी। तो कहने का मतलब क्या है कि जो इस टेम्पल के अंदर मनी की जो है प्रचुर मात्रा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मनी है। आप फोटो में देख रहे हैं टेम्पल है ना। तो एम्पल टेम्पल आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इसकी जो ट्रिक बनाई है वो टेम्पल से बनाई है ना। तो एम्पल मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की प्रचुर मात्रा। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा अगला वर्ड है ग्रोवल। ग्रोवल मतलब होता है रेंगना। देखिए, इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है गुलशन ग्रोवर, देखिए गुलशन ग्रोवर को सब जानते हैं, इसलिए हमने ये ट्रिक बनाई है गुलशन ग्रोवर से ही, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। तो हमने ट्रिक जो बनाई है, गुलशन ग्रोवर इज़ ग्रोवलिंग, मतलब गुलशन ग्रोवर जो है वो रेंग रहे हैं एक तरह से, है ना। तो ग्रोवल और ग्रोवर ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान रहेगा, है ना। तो चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है गार्नर। गार्नर मतलब होता है किस चीज़ को इकट्ठा करना, है ना। तो हमने इसे किस चीज़ से रिलेट किया है, हमने इसे गार्डनर से रिलेट किया है ना। तो गार्नर मतलब इकट्ठा करना होता है। इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है, ट्रिक क्या है कि गार्डनर इज़ गार्डनिंग द फ्लावर, कि जो गार्डनर है क्या कर रहा है,
फ्लावर को इकट्ठा कर रहा है। जैसे आप फोटो में देख रहे हैं ये लड़की फ्लावर्स इकट्ठे कर रही है, तो इसी से आप ध्यान रखिएगा कि गार्डनर इज गार्डनिंग द फ्लावर, मतलब गार्डनर मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, है ना। चलिए हमारे अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, ये है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है, देखिए बड़ा कॉमन सा वर्ड है लेकिन फिर भी हमने इस वर्ड को रखा क्योंकि अक्सर ये आ जाता है एग्जाम्स में। तो डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, है ना। तो इसकी जो ट्रिक होगी, दिल्ली के जेंट डिलीजेंट होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि फ़ोटो में विराट कोहली और शिखर धवन है, आप सब जानते हैं दोनों दिल्ली के हैं, तो हमने इसलिए इसे वर्ड को रिलेट किया है, दिल्ली के जेंट डिलीजेंट होते हैं।